बादशाह बेगम जिसे बतौर खात्मा खास मामूर करना चाहे उसकी तरफ इशारा करते हैं। तुम तो वही हो ना जो उस दिन, क्या नाम है तुम्हारा? जी गुलनार। गुलनार, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें मेरा पहला फैसला अच्छा नहीं लगा? मेरी क्या मजाल बादशाह बेगम, जो आपके फैसले से इनकार ही हूँ। ये रो इसलिए रही है कि इसकी जबान काट दी जाएगी। क्या यही रिवाज है कि बादशाह बेगम की खादमा खास गूंगी कर दी जाती हैं ताकि हवेली के राज बाहर ना जा सके? ये कौन सा रिवाज है जो मैं नहीं जानती? ये हवेली का रिवाज है। क्या जाहिलाना रिवाज है? और ये लोग कौन है? नई बादशाह बेगम के तख्त पे बैठने के बाद पीरापुर में चौदहवीं के चांद पे पैदा होने वाली तमाम बच्चियां पाक दामन बीबी की नजर करती जाती हैं। इन्हें अपनी खिदमत के लिए नजर के तौर पे कबूल कीजिए बादशाह बेगम। मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर आपने इन्हें कबूल नहीं किया तो ये बीबी पाक दामन की धुतकारी और ठुकराई हुई तसव्वुर की जाएंगी, और आप अच्छी तरह से जानती हैं इसका मतलब क्या है। ये क्या जहालत है? ये हमारे रसूम और रिवाज हैं जिनसे आपको आपकी तालीम ने ला इल्म रखा है। ये जुल्म है। ये इख्तदार की कीमत है। अभी तो शुरुआत है, आपको तो जिंदगी भर इससे कहीं ज्यादा कठिन फैसले करने हैं बादशाह बेगम। बेहतर यही होगा कि आप अभी से इस सब की आदि हो जाएं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो ये आपको ये तख्त और चादर कबूल करने से पहले सोच लेना चाहिए था।